हेलो फ्रेंड्स, आज का जो दिन है वो है 6/2/2024। अभी जो टाइम चल रहा है वो है 3:08। अभी जो मार्केट है क्लोज होने का समय है और मार्केट जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। और 9:15 पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है मार्केट ने, जिसका मेजर अगर किया जाए 280 से 290 पॉइंट का रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल को देख जितने भी लोग पुट में अपना एंट्री बना है, उन सभी का एसएल मार्केट ने हिट कर चुका है। उसके बाद मार्केट ने जितने ही बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, मार्केट में हर बार फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट ने दिखाया है और बार बार मार्केट जो है नीचे आके गिरा है। पूरे अगर आप चार्ट में देखेंगे, निफ्टी की बात करें निफ्टी 50 में ही सेम चीज है। निफ्टी 50 का अगर चार्ट देखा जाए, यहाँ पे आपका 9:15 पर एक रेड कैंडल हुआ है बैंक निफ्टी की तरह। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत ब्रेकआउट किया है इधर, और उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट जो है सस्टेन नहीं हुआ, फिर से मार्केट नीचे आके गिरा। बार बार यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बार बार मार्केट नीचे की तरफ गिरा, पर निफ्टी 50 का मूवमेंट जो था ऊपर की तरफ ही था और बुलिश था बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की बात करें तो आज मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा था कि बैंक निफ्टी निफ्टी 50 दोनों ही एक सस्ता नशा करके बैठा हुआ है। ना निफ्टी 50 बैंक निफ्टी को नीचे जाने दे रहा है, ना बैंक निफ्टी निफ्टी 50 को ऊपर जाने दे रहा है। कल का अगर मार्केट की बात किया जाए, कल मार्केट साइडवेज था, फिर भी साइडवेज होने के बाद भी मार्केट ट्रैप नहीं कर रहा था, पर आज जो मार्केट है वो काफी ट्रैपी मार्केट है और इस तरीके का मार्केट से बचना चाहिए अगर आप अपना कैपिटल को वाइप आउट नहीं करना चाहते हो। तो आज का जो मार्केट है इसमें प्रीमियम का चार्ट भी अगर आपको दिखाया जाए, आप देख सकते हैं चार्ट जो है प्रीमियम का चार्ट, जिसमें मूवमेंट तो हुआ है पर ट्रैप करते करते हुए मूवमेंट हुआ है। अगर आप देखें कॉल साइड पुट साइड दोनों में ही प्रीमियम उतना ज्यादा बड़ा नहीं है और एसएल हंटिंग बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा ट्रैप हुआ है। तो इस तरीके का मार्केट जो है बिगिनर्स के लिए काफी खतरनाक मार्केट है, क्योंकि बहुत बार उनका एसएल हिट होगा और बार बार ट्रेड करते करते उनका जहाँ पे 100 रुपए का लॉस था वो 1000 रुपए का लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कैपिटल वाइप आउट भी हो सकता है। जो आज का मार्केट है और कल का जो मार्केट था, इस तरीके का मार्केट से बचना चाहिए खास करके बिगिनर्स को। तो ऐसे मार्केट होने के बावजूद भी मेरा छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ और इस तरीके का मार्केट में कम लॉट साइज में आपको ट्रेड करना चाहिए। तो मेरा जो फिलहाल आज का जो प्रॉफिट रहा है, क्योंकि मैंने सारे जो पोजिशन है मैंने स्क्वाड अप कर दिया है और मेरा जो अगर आप यहाँ पे पोजिशन देखेंगे, एक भी पोजिशन जो है निगेटिव में नहीं गया। और इस तरीके का मार्केट होने के बावजूद भी मेरा जो आज का ओवरऑल प्रॉफिट रहा है वो है 2577 रुपीज। गुड बाय।